भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह भले ही जुदा हो गए हों, लेकिन इनके जुदा होने के बाद भी ऐसा लगता है कि इनके फैंस हमेशा इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं। तभी तो गाहे बगाए कभी न कभी अक्षरा और पवन सिंह के प्रेम प्रसंगों को लेकर गाने बन ही जाते हैं। लेकिन ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं 2-4 महीने पुराना है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि दिल्ली के एक गायक ने पवन सिंह और अक्षरा सिंह के ब्रेकअप को लेकर एक गाना गाया। गाना था अक्षरा जैसन लवर चाहिए, और अब ये गाना पवन सिंह को इतना नागवार गुजरा कि जैसे ही इस गायक ने अपने इस गाने को एक YouTube चैनल पर रिलीज किया, वैसे ही पवन सिंह ने इस गाने को YouTube से डिलीट करवा दिया। यानी कि जिस चैनल पर ये गाना रिलीज हुआ था उस पे से ये गाना ही डिलीट करवा दिया। जैसे ही इस गायक को पता चला, उसने तुरंत पवन सिंह को फ़ोन किया और पूछा कि आपने ये गाना डिलीट क्यों करवाया, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि मार्केट में आप पर और अक्षरा सिंह के ब्रेकअप को लेकर बहुत सारे गाने हैं। फिर आपने मेरा ही गाना क्यों इस तरह से डिलीट करवाया, उस पर पवन सिंह भड़क गए। पवन सिंह का कहना था कि आप किसी का भी नाम लेकर उसे बदनाम नहीं कर सकते, पहली बात, और दूसरी बात, ये तरीका नहीं है पैसे कमाने का। अगर पैसा कमाना है तो सही ढंग से कमाइए। जब गायक ने पवन सिंह से ये कहा कि उनका ही गाना क्यों डिलीट करवाया गया, तब पवन सिंह बिफर पड़े। गुस्से में पवन सिंह ने गायक से कहा कि अब क्या उनको वो कानून सिखाएंगे कि गाना डिलीट करवाना चाहिए था या नहीं। लेकिन यहाँ एक बात तो तय थी कि पवन सिंह नहीं चाहते कि अक्षरा सिंह का नाम किसी वजह से अब उनके कारण खराब हो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पवन सिंह शादीशुदा है और अक्षरा सिंह भी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं और आगे बढ़ चुकी हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए पवन सिंह नहीं चाहते कि मार्केट में इस तरह की अफवाह फिर से फैले और पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम फिर से जुड़े। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।